हेलो, आर के जी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ के इस वीडियो की श्रृंखला में बीएड के समक्ष छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर बी सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर आर के जी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन घरों की जो सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, उन घरों के बच्चे उसी दिशा में आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं? जैसे जिन घरों में मछली पालन का व्यवसाय होता है, उन घरों के बच्चे तैराकी में ज़्यादा निपुण होते हैं। जिन घरों में शिकार का काम होता है, उन घरों के बच्चे निशाना लगाने अच्छा शिकार करने में निपुण होते हैं। या यूँ कह लीजिए, जिन घरों में डॉक्टर फैमिली है, उन घरों के बच्चे डॉक्टरी पेशा में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि मास्टर के घर में मास्टर, आईएएस के घर में आईएएस, पीसीएस के घर में पीसीएस, इंजीनियर के घर में इंजीनियर आदि होते हैं। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण समाजशास्त्री आधार या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। आज हम इन्हीं समाजशास्त्री आधारों के बारे में या इन समाजशास्त्री आधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाजशास्त्री आधारों की शिक्षा के उद्देश्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अध्यापक के क्या प्रभाव पड़ता है, इन समाजशास्त्री इन सभी बातों का विद्यालय की या कक्षा की विषय वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज के ये हमारे वीडियो की श्रृंखला क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, जो कि यूनिट थर्ड से लिया गया है और पेपर का नाम है दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, अर्थात फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। आज आज की वीडियो की इस श्रृंखला के बाद हम जान सकेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में अंतर क्या है, इसके बारे में आज हम वीडियो की इस श्रृंखला में चर्चा करें। पहले हम बात करते हैं विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन की। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे विद्यालय के स्ट्रक्चर, शिक्षण पद्धति, हमारे कोर्स, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे विषय वस्तु पे अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे समाजशास्त्री का कारक क्या है, उस वहाँ के मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, आर्थिक कारक क्या है, आदि अनेक प्रकार के ऐसे कारण होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, राजनीतिक, तमाम प्रकार के ऐसे अनेक आधार हैं जिनका हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारी विषय वस्तु, हमारे विद्यालय के स्ट्रक्चर, हमारे अध्यापक आदि पे पड़ता है। इन सभी बातों में आज हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। पहले माते समाजशास्त्र का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगर हम समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम जान नहीं पाएंगे कि समाजशास्त्र क्या है। अगर हम समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं और ऑगस्ट काम्टे महोदय का नाम ना लिया जाए तो चर्चा अधूरी होगी। ऑगस्ट काम्टे महोदय समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। ये समाजशास्त्र की जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहा जाता है, क्योंकि ऑगस्ट काम्टे महोदय ने ही समाजशास्त्र को जन्म दिया है। इसके पीछे कहानी है जिसको हम कहना चाहेंगे। समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट महोदय का जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इनकी पुस्तक में फ्रांस के मॉन्टपेलियर स्थान की जो सामाजिक ढांचा है, वहाँ का स्ट्रक्चर है, जो उथल पथल है, इन बातों की चर्चा होती है। ये ऑगस्ट महोदय हैं, ऑगस्ट काम्टे महोदय हैं जिनका जीवन काल 1798 से लेकर 1857 तक रहा। इन्होंने कहा जो समाज में उथल पुथल हो रही है, इस उथल पुथल को शांत किया जाए और उसके शांतिकरण के लिए हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इनका विचार था कि जिस प्रकार से
अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति की तरह होना चाहिए। ऑगस्ट कांटे महोदय कहते हैं कि जैसे फिजिक्स का अध्ययन होता है, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन होता है, इसी प्रकार से एक सामाजिक घटनाओं का या समाज का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे इसी कारण इनको संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस बात को पहले जोर दिया कि अन्य विज्ञानों की तरीके से समाज शास्त्र का या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। परिणाम स्वरूप इन्होंने जब जोर दिया तो इन्होंने समाज शास्त्र की इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शास्त्र को जन्म दिया, उसका नाम दिया सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स। उन्होंने कहा जैसे फिजिक्स आदि प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन होता है, उसी प्रकार से मुझे समाज की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज को व्यवस्थित किया जाना बहुत अनिवार्य है। अगस्त महोदय का जो जीवन काल है, उस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी और समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही थी जिनसे बड़े क्षुब्ध थे और दुखी थे। उन्होंने कहा समाज को व्यवस्थित करने के लिए मुझे इस समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो समाज शास्त्र है उसका पहले नाम था सामाजिक भौतिकी। जो ये नाम दिया गया सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को, अगस्त महोदय के समकालीन विद्वानों ने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा सोशल फिजिक्स नाम अच्छा नहीं है। उन्होंने विरोध किया और अगस्त कमते महोदय ने फिर 1838 में उस सोशल फिजिक्स का नाम बदल के रखा सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। यानी कहा लॉजी, सोशियो और लॉजी, मतलब लॉजी मतलब लॉजिक तरीके से, समाज का एक ऐसा विज्ञान जो एक लॉजिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन करे, ऐसे विज्ञान को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से फिजिक्स का अध्ययन होता है एक लॉजिक तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन एक चरणबद्ध तरीके से किया जाए, इस प्रकार से समाजशास्त्र नामक विषय का जन्म हुआ। अर्थात सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया गया और इसका अध्ययन शुरू हुआ। चूंकि अगस्त कांटे महोदय फ्रांसीसी थे तो सबसे पहले इसका फ्रांस में अध्ययन शुरू हुआ 1839 में। उसके बाद में इसका अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ और 1892 में इसको मान्यता दी गई, क्योंकि जब कोई नया विषय होता है वो तब तक मान्य नहीं होता जब तक विद्वानों के द्वारा उसको मान्यता ना दी जाए। इसी प्रकार से भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। फिर 1919 में इसी विश्वविद्यालय में ब्रिटिश समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रजेंद्रनाथ सील ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 1923 में मैसूर और आंध्र प्रदेश में इसका अध्ययन शुरू हुआ और 1939 में पुनः विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में कार्य शुरू हुआ। और इस प्रकार से भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन शुरू हुआ। और अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। जब तक विद्वानों के अनुसार किसी भी शब्द को मान, जब कोई नए शब्द का जन्म होता है तो वह शब्द तब तक मान्यता प्राप्त नहीं करता है जब तक कि विद्वानों द्वारा उसकी व्याख्या ना की जाए या उसको स्वीकार ना किया जाए। इस प्रकार सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र एक नया शब्द आया और इसकी व्याख्या शाब्दिक व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे जैसे समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है जिसको इसके जन्म सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है।
जैसे ये दो शब्द हैं, लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द। लैटिन भाषा का है सोशियस और ग्रीक भाषा का है लोगस। इनके मिलकर बना है सोशियोलॉजी। सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब लॉजिक तरीके से, मतलब समाज शास्त्र का अध्ययन एक लॉजिक तरीके से किया जाए, ना कि कोई अटकल पंजू विचार दिया जाए, ना कि कोई अव्यवस्थित अध्ययन किया जाए। समाजशास्त्र का ऐसा अध्ययन किया जाए ताकि एक व्यवस्थित तरीके से समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनको बंद किया जाए और समाज का एक व्यवस्थित तरीके से विकास हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अज। ये शब्द सम, दूसरा हुआ अज। सम, सम का अर्थ होता है इकट्ठा या एक साथ, और अज का अर्थ होता है साथ में रहना। अज का अर्थ होता है रहना, साथ में रहना। इस प्रकार से दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक हो जाएगा एक साथ रहने वाला समूह, क्योंकि सम का अर्थ होता है इकट्ठा और अज का अर्थ होता है एक साथ रहना, मतलब ऐसा समूह जो एक साथ रहता हो। हम ऐसे समूह का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। अगर कोई अकेला जंगल में रहता है हम उसको अध्ययन करेंगे तो वो समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं होगा। इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की शर्तें हैं, अगर हम एक समाज शब्द बोले तो समाज नहीं होगा। एक समाज होता है पशु समाज, पशुओं का अध्ययन, लेकिन हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा मानव का एक ऐसा समूह जो एक साथ रहता हो, ऐसे को उसकी घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये था समाजशास्त्र का शाब्दिक व्याख्या, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं भी विद्वानों द्वारा दी गई हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम जान सकेंगे वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र निम्नलिखित विद्वानों की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम देखेंगे। यहाँ पे बात रहती है महत्ता कि हम किसी भी विषय की परिभाषा जो है कितनी परिभाषाएं लिखें जिससे मुझे अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो कम से कम तीन परिभाषाओं को लिखना अनिवार्य है। अगर आप तीन परिभाषाएं लिखते हैं तब समाजशास्त्र, तीन परिभाषाएं लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब हम जानते हैं समाजशास्त्र का बृहत्तर तो परिभाषाएं, वाइड मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे अगस्त क्रांति महोदय के, अगस्त क्रांति महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर व सामाजिक प्रगति और सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान है। अगस्त क्रांति महोदय कहते हैं कि वो विज्ञान जो सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है उसको समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई सोशल प्रोग्रेस, मतलब वो व्यवस्था जो प्रोग्रेस कर रही, उन्नति कर रही, उसके कार्य हैं उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक समाज क्या है, मैकार महोदय ने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो जाल से जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है जो कार्य कर रहा है उसके कार्यों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से अगस्त क्रांति महोदय की दो बातें निकल के आती हैं, नंबर एक सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष, दूसरा सामाजिक व्यवस्था का कार्यात्मक पक्ष। संरचनात्मक मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर, कि समाज का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, और समाज का जो कार्यात्मक पक्ष है यानी कि जो कार्य करता है, फंक्शनल है, फंक्शन है, हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जो शास्त्र या जो विज्ञान सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष और कार्यात्मक पक्ष का अध्ययन करे, ऐसे विज्ञान को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। अगली परिभाषा है मैकारन पेज की। मैकारन पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, छोटी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो समाज क्या है, फिर उन्होंने कहा संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, मतलब समाज संबंधों का जाल का एक जो समाज है उस जाल का जो हम अध्ययन करते हैं उसी उस शास्त्र को, उस विज्ञान को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से मैकारन पेज की परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभाषा के दो तत्व निकल के आते हैं, जैसे
समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि समाज में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों की प्रकृति जाल के तरीके से होती है। जैसे संबंध एक व्यक्ति उसके पति पत्नी के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध, दोस्तों के साथ संबंध, खेल के साथी के साथ संबंध, कार्यालय के संबंध, जो संबंधों का जो जाल बन रहा है इस जाल को समाज कहते हैं और उसी जाल का जो विज्ञान अध्ययन करता है हम ऐसे समाज को ऐसे विज्ञान को समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं इस समाज मैकारण पेज की परिभाषा को और ज़्यादा विस्तृत रूप से कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अपने बच्चे हैं, फिर इसके अपने माता पिता हैं और उसके खेल कूद के साथी हैं। उसके बाद वो एक कार्यालय में जाता है, कार्यालय में लोगों से संबंध स्थापित करता है। इसके बाद हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, अपने नैतिक विचार होते हैं, इसलिए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा आदि कहीं भी जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम एक जाल बन रहा है, इस टाइप से एक जाल बन रहा है। तो ऐसे जाल को हम इस प्रकार से जो जाल बनता है उसको हम समाज बोलते हैं। तो ऐसे विज्ञान को जो ऐसा जो जाल का अध्ययन करता है तो उनको समाज बोलते हैं और इस प्रकार के जाल की प्रवृत्ति का जो अध्ययन जो शास्त्र करता है उसको समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कहते हैं समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों की प्रकृति एक जाल के तरीके से होती जो कि इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट है। ओडम के अनुसार इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज और समाज क्या है। इन्होंने बोलकर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है तो जाल की प्रकृति का जो अध्ययन करता है उसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। ओडम की परिभाषा में दो बातें निकल के आईं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, इन्होंने पहले ना बोला कि समाजशास्त्र विज्ञान है और जो विज्ञान है दूसरा संबंधों का अध्ययन करता है, मतलब जो संबंधों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे वो शास्त्र समाजशास्त्र के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा समाजशास्त्र इक्वल टू सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र, वो समाजशास्त्र हमारा होगा। इसी प्रकार से जार्ज सिमिल कहते हैं समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतः संबंध मतलब इंट्रैक्शन, जब व्यक्ति समाज संबंधों का जाल है तो जाल में बंधा हुआ होता है तो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरों से स्वयं प्रभावित होता है, उनके बीच इंट्रैक्शन होती है, अंतः क्रिया होता है। तो समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जार्ज सिमिल की परिभाषा के दो तत्व निकल के आते हैं, नंबर एक अंतः संबंधों के स्वरूप का अध्ययन, दूसरी बात बताई वैज्ञानिक अध्ययन प्रकट, अंतः संबंधों के स्वरूप का अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन प्रकट। तो जो शास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूप का वैज्ञानिक प्रकट की तरीके से मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे ऐसे शास्त्र को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार किम्बाल यंग महोदय कहते हैं समाजशास्त्र रूप में बोले कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जिसमें समाज अथवा सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सभी परिभाषाएं इसी तथ्य की ओर बताती हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। ऐसे शास्त्र को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव रॉबर्ट बीरस्टीट के अनुसार उन्होंने कहा समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है इसलिए सामाजिक विज्ञान है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आदि है, इस प्रकार से कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दूसरी ने कहा समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र ये बताता है
कि कोई घटना या कोई चीज़ अमुक क्या है इस बात का अध्ययन करता है और क्या होना चाहिए इस बात का अध्ययन नहीं करता। इस प्रकार से समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। इस प्रकार से समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में स्पष्ट होता है। और एक चीज़ है इसमें, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में और बात है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। कहते कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और जाल का अध्ययन करते हैं तो ये अमूर्त होता है, ना कि मूर्त। अमूर्त मूर्त। और इस प्रकार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए एक सामान्य विज्ञान है, कोई विशेष विज्ञान नहीं है। अगली प्रकृति मानी जाती है समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुमानात्मक अनुभवात्मक विज्ञान, एम्पिरिकल है। अब हम जानेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब शिक्षा व्यवस्था पर, विद्यालय पर, किसी भी पाठ्यक्रम पर, उसकी विषय वस्तु पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस बात का अध्ययन करते हैं तो ये विषय वस्तु होगी शैक्षिक समाजशास्त्र। अगर हम बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अर्थात कि शिक्षण संस्थाओं का, शिक्षा व्यवस्था का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं इसको बोलेंगे शिक्षा का समाजशास्त्र। इन दोनों का अंतर हम और अच्छी तरीके से निम्नलिखित प्रकार से कर पाएंगे, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र और ये शिक्षा का समाजशास्त्र, दोनों में अंतर और अधिक स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से होगा। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक जॉर्ज पेन है और शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रवर्तक इमैनुअल दुर्खिम माने जाते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार की जाती है और समाजशास्त्रीय प्रक्रिया की व्याख्या शैक्षिक सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। मतलब शैक्षिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और शिक्षण संस्थाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर कोई समाजशास्त्रीय प्रक्रिया हो रही है उस पर शैक्षिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये व्यवस्था हमारी शिक्षा का समाजशास्त्र के अंतर्गत आती है। अगला है शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव यहाँ पे सामाजिक कट गया है, तो ये समाज शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र यह समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, एप्लाइड साइड ऑफ सोशियोलॉजी। शिक्षा का समाजशास्त्र या समाज की शुद्ध परंपराओं से प्रेरित होता है, समाज की जो परंपराएं होती हैं जातगत, रूढ़गत, धर्मगत, उन परंपराओं का पालन होता है, लेकिन शैक्षिक साथ एप्लाइड साइड ऑफ सोशियोलॉजी है। दूसरा कारण ये शैक्षिक समाजशास्त्र विकासशील शिक्षा का एक उप विभाग है और शिक्षा और समाज शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और समाज से संबंधित शिक्षा और समाज को केंद्रित शिक्षा में समाज को केंद्रित करता है कि शिक्षा में समाजशास्त्र को केंद्रित करता है और शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा व्यवस्था में समाज को केंद्रित करता है। एक अंतर ये होता है। अगला अंतर ये है कि शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है। मैंने पहले बताया कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा से संबंधित है तो ये शिक्षा शास्त्री से रिलेटेड होता है और शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्री से संबंधित होता है, इसलिए शिक्षा समाजशास्त्री समाजशास्त्र में अनुसंधान करता है और शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है और शिक्षा का समाजशास्त्र में समाजशास्त्री समाज में अनुसंधान करता है। दूसरा कारण ये है शैक्षिक समाजशास्त्र में अनुसंधान में निरीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग करके अनुसंधान किया जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र में एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर बल दिया जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में और बात है,
समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। कहते कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और जाल का अध्ययन करते हैं तो ये अमूर्त होता है, ना कि मूर्त। अमूर्त मूर्त। और इस प्रकार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए एक सामान्य विज्ञान है, कोई विशेष विज्ञान नहीं है। अगली प्रकृति मानी जाती है समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुमानात्मक अनुभवात्मक विज्ञान, इम्पीरिकल है। अब हम जानेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब शिक्षा व्यवस्था पर, विद्यालय पर, किसी भी पाठ्यक्रम पर, उसकी विषय वस्तु पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस बात का अध्ययन करते हैं तो ये विषय वस्तु होगी शैक्षिक समाजशास्त्र। अगर हम बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अर्थात कि शिक्षण संस्थाओं का, शिक्षा व्यवस्था का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं इसको बोलेंगे शिक्षा का समाजशास्त्र। इन दोनों का अंतर हम और अच्छी तरीके से निम्नलिखित प्रकार से कर पाएंगे, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र और ये शिक्षा का समाजशास्त्र, दोनों में अंतर और अधिक स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से होगा। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक जॉर्ज पेन हैं और शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रवर्तक इमैनुअल दुर्खिम माने जाते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार की जाती है और समाजशास्त्रीय प्रक्रिया की व्याख्या शैक्षिक सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। मतलब शैक्षिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और शिक्षण संस्थाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर कोई समाजशास्त्रीय प्रक्रिया हो रही है उस पर शैक्षिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये व्यवस्था हमारी शिक्षा का समाजशास्त्र के अंतर्गत आती है। अगला है शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव यहाँ पे सामाजिक कट गया है, तो ये समाज शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, यह समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, अप्लाइड साइड ऑफ सोशियोलॉजी। शिक्षा का समाजशास्त्र यह समाज की शुद्ध परंपराओं से प्रेरित होता है, समाज की जो परंपराएं होती हैं जातगत, रूढ़गत, धर्मगत, उन परंपराओं का पालन होता है, लेकिन शैक्षिक साथ अप्लाइड साइड ऑफ सोशियोलॉजी है। दूसरा कारण ये शैक्षिक समाजशास्त्र विकासशील शिक्षा का एक उप विभाग है और शिक्षा और समाज शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और समाज से संबंधित और शिक्षा और समाज को केंद्रित शिक्षा में समाज को केंद्रित करता है कि शिक्षा में समाजशास्त्र को केंद्रित करता है और शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा व्यवस्था में समाज को केंद्रित करता है, एक अंतर ये होता है। अगला अंतर ये है कि शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है। मैंने पहले बताया कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा से संबंधित है, तो ये शिक्षा शास्त्री से रिलेटेड होता है और शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्री से संबंधित होता है, इसलिए शिक्षा समाजशास्त्री समाजशास्त्र में अनुसंधान करता है और शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है और शिक्षा का समाजशास्त्र में समाजशास्त्री समाज में अनुसंधान करता है। दूसरा कारण ये है शैक्षिक समाजशास्त्र में अनुसंधान में निरीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग करके अनुसंधान किया जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र में एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर बल दिया जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र से संबंधित है। शिक्षा में या शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं या शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए उसमें समाजशास्त्र का क्या योगदान है, इस बात का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र में करते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र में समाज में जो कमियां हैं
उनको हम शिक्षा व्यवस्था के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं, समाज की उन्नति हम शिक्षा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ये विषय शिक्षा के समाजशास्त्र का है। इस प्रकार से आज की इस चर्चा में हमने जाना इस प्रकार आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ अर्थात समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजिक। सोशियो को लॉजिक तरीके से अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम समाजशास्त्र कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, परिभाषाएं मैंने बताया था, तीन परिभाषाएं आपको लिखनी है जिससे अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। उत्पत्ति अगस्त कामटे ने की, इसके फाउंडर या संस्थापक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कामटे महोदय माने जाते हैं। समाजशास्त्र का संक्षिप्त समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और इस जाल का जो अध्ययन करते हैं उसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति, स्वभाव, विषय वस्तु आदि के बारे में जाना, जो कि उपरोक्त अनेक परिभाषाओं से मुझे समाजशास्त्र की विषय वस्तु, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद हमने जाना कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र का अर्थ और उसमें अंतर क्या है। इसी के साथ ही आज की श्रृंखला के लिए इस प्रकार से आपने ये श्रृंखला बीएड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगले श्रृंखला में हम फिर एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।